वेलकम बैक टू माई चैनल अभिक्षा, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोई भी फैशन या ब्यूटी का वीडियो नहीं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियो। टाइटल पढ़कर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है सर्वाइकल के बारे में। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, जो शब्द है वो बहुत ही छोटा सा है, सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस, बट जो ये प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक 100% लोगों में से 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है। एंड ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि बाई बर्थ आपको होती है, ये प्रॉब्लम होती है आपके रहन सहन की वजह से, आपके उठने बैठने के तरीके की वजह से, आपके खान पान की वजह से। सो जो प्रॉब्लम बाई बर्थ नहीं होती है, जो प्रॉब्लम हमारे रहन सहन, हमारे खाने पीने, हमारे उठने बैठने, लाइक हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से उत्पन्न होती है या फिर हमारे अंदर आती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़े से चेंजेस ला के हम उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। सो जो वर्ड है सर्वाइकल स्पोंडिलाइसिस, इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्यों होता है, क्या है, इसके क्या क्या लाइक सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको सर्वाइकल है, तो इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो सबसे पहले चीज़ आती है कि सर्वाइकल स्पोंडिलाइसिस है क्या, तो सर्वाइकल स्पोंडिलाइसिस ये जो प्रॉब्लम है ये होती है बेसिकली आपके नेक एरिया में, आपके शोल्डर में। एंड जिसकी जिनको भी ये प्रॉब्लम है लास्ट स्टेज पे या जिनको ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है, धीरे धीरे उनको ये प्रॉब्लम उनके हैंड्स में भी आ जाती है, लाइक आपको अपने हाथ तक ये प्रॉब्लम महसूस होती है। तो सर्वाइकल में बेसिकली होता क्या है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आप अगर ऑफिस वर्क करते हो, आपका ऑफिस वर्क ज़्यादा है, चेयर पे बैठने का काम ज़्यादा है, तो बैठे बैठे क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर में देखने से या फिर कुछ लिखने से आपके नेक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और जब आपका वो जो प्रेशर है वो डेली टू डेली, लाइक अगर वो डेली डेली चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो वो सर्वाइकल का रूप ले लेता है। सो बेसिकली जो सर्वाइकल होता है वो आपके गर्दन का दर्द होता है। अब बात करते हैं आपको पता कैसे चलेगा कि हमें सर्वाइकल है। सो सर्वाइकल पता करने के कुछ मेन जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपको आपके नेक में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको नेक में स्टिफनेस फील होगी, आपके शोल्डर में भी पेन बना रहेगा, आप अपने हाथों से बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाओगे, आपके जो हैंड्स हैं वो प्रॉपर नहीं मूव करेंगे, लाइक आप उनको एकदम झटके से खड़ा या सीधा ऐसे नहीं कर पाओगे। तो ये जो कुछ सिम्टम्स हैं वो इशारा करते हैं कि आपको सर्वाइकल है। इसके लिए आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो अपने लाइफ स्टाइल में, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। सो सबसे पहले आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे आपके बेड में, बिकॉज अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और अगर वो शुरुआती है या फिर आप मिड में भी पहुंचे हो उस प्रॉब्लम के, तो आपको सबसे पहले अपना बेड चेंज करना चाहिए। आपको सॉफ्ट वाले बेड पे नहीं सोना चाहिए, सॉफ्ट वाला जो मैट्रेस होता है वो आपका सर्वाइकल और बढ़ा देता है। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेड को छोड़ के अगर पॉसिबल हो तो आप तखत पर सो, अदरवाइज आप फ्लोर पर भी सो सकते हो, चटाई या फिर कुछ एक पतला सा कुछ चद्दर वद्दर डाल के, क्योंकि आपकी जो नेक है उसको स्ट्रेट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके गर्दन में हल्का सा भी झुकाव होगा, अगर आप रात भर ऐसे हल्का सा भी इसको झुका के सो जाओगे, तो आपका जो सर्वाइकल है वो बढ़ जाएगा, ठीक होने की बजाय बढ़ जाएगा। एंड जो सेकेंड चीज आती है वो आती है आपकी पिलो, तो आपकी जो पिलो होनी चाहिए वो सॉफ्ट होनी चाहिए, बट वो पतली होनी चाहिए। कुछ पिलोज आती हैं मार्केट में जो कि फूल की इतनी बड़ी होती है, बट आप उसमें सर रखोगे तो वो तुरंत लाइक उस एरिया में जिसमें आपका सर होगा वो दब जाती हैं, तो वो वाली पिलोज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। आपको चाहिए पतली सी पिलो जो कि सॉफ्ट भी हो और ज़्यादा ऊंची ना हो। ऊंची नहीं होगी तो आपका जो नेक का लेवल है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर गैप होता है, तो तकिया लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पिलो तो लगानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट जो चेंज मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप जहाँ पर भी बैठो, आप सीधे बैठो, आप चेयर पर बैठ रहे हो तो आप बैठो, बट अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो आप वो कुशन का यूज़ कर सकते हो छोटे वाले, जिससे आपकी नेक को सपोर्ट मिल जाए। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एक छोटी कुशन, बिकॉज आपका बैठने का काम है, सो आप उसको लगा के अपनी नेक को सपोर्ट दे सकते हो। एंड 15 टू 20 मिनट्स में आपको एक राउंड लेना ही चाहिए, लगातार नहीं बैठना है, बहुत ज़रूरी है तो आप आधे घंटे बैठ लो, आधे घंटे के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए, वरना आप हर 15-20 मिनट पर टहलते रहो, थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहोगे और काम करते रहोगे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ आपको चेंज करनी चाहिए, वो है आपके मोबाइल फ़ोन का यूज़। आप और मैं, हम सभी आई थिंक ऐसे ही फ़ोन को यूज़ करते हैं, हमारी आदत होती है, हमारे नेचर में होता है ये चीज़, जो कि बहुत गलत है। आपको फ़ोन यूज़ करना है, आप स्ट्रेट रहो, आपने फ़ोन को थोड़ा सा यूज़ करो, लेकिन आप फ़ोन को ऐसे भी रख सकते हो, हाथ को उठाना इज़ लाइक वेरी ईजी, बट आप गर्दन को बार बार ऐसे अगर झुकाओगे तो ये तो हमारा बहुत सेंसिटिव चीज़ होता है, तो आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो आपने फ़ोन को रख के नॉर्मल ऐसे भी चला सकते हो।
हो, ना कि आप ऐसे चलाओ अपने फ़ोन को। तो ये वाली चीज़ पे आपको प्रेशर नहीं देना है, बहुत लेट के आपको टीवी नहीं देखनी है बहुत देर तक, मतलब लाइक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। खाने पीने में अगर बात करें तो आपको विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए अपने खाने में। कॉफ़ी आपको बहुत कम पीनी चाहिए, बिकॉज कॉफ़ी और चाय आपको सर्वाइकल को बढ़ाती हैं, कम नहीं करती हैं। आपको अपना रूटीन चेंज करना चाहिए, मॉर्निंग में उठना चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अगर बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज भी लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं, बहुत इजीली आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हो। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारे नेक एरिया से ही रिलेटेड। बेसिकली सर्वाइकल हमारे नेक से शुरू होके ये शोल्डर में एंड कभी कभी हैंड्स में होता है, तो हमें बेसिकली इन्हीं एरिया की एक्सरसाइज करनी है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपको आपके नेक को लेफ्ट एंड राइट में आपको रोटेट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए आपको लेफ्ट देखना है। आपको कोशिश करनी है अपने शोल्डर को देखने की, बट एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि शोल्डर को देखना, ऐसे शोल्डर को नहीं देखना, ये बिल्कुल भी गलत है। आपको सिर्फ सीधा देखना है, बट कोशिश करनी है कि आपकी जो नज़रें रहें वो आपके शोल्डर पे रहें। आपकी जो गर्दन है, गर्दन को आप ऐसे नहीं करोगे, आपकी गर्दन सीधी है तो आपकी गर्दन ऐसे ही जाएगी, और राइट में भी आपकी गर्दन ऐसी ही जाएगी। आपके शोल्डर की सीध में आपको इसको लेके जाना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बट आपको थोड़ा स्ट्रेच फील होना है आपके नेक पे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है किसी भी एक्सरसाइज में, अगर आप वो योगा कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको इनहेल और एक्सहेल का प्रॉपर ध्यान रखना है। सो आपको सेंटर में इनहेल करना है, और जब आप लेफ्ट की साइड अपनी गर्दन को घुमाओगे तो आपको एक्सहेल करना है, फिर आपको सेंटर में इनहेल करना है, देन आपको एक्सहेल करना है। तो चलिए साथ साथ करते हैं। इसी तरह आपको करना है पांच बार। पांच बार मतलब आपका एक सेट होता है, लेफ्ट एंड राइट को आप एक काउंट करोगे, इसी तरह आपको पांच बार एक्सरसाइज करनी है। इनहेल एक्सहेल का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है अप एंड डाउन। आपने लेफ्ट एंड राइट कर लिया, अब बात करते हैं अप एंड डाउन की। तो आपको इनहेल करना है, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी नेक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, जितना इजीली हो जाएगा आपको उतना ही करना है, बट आपके नेक में थोड़ा सा स्ट्रेच फील होना चाहिए। ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है आपको पांच बार। जब भी आप ऊपर जाएंगे आपको इनहेल करना है, जब भी आप नीचे आएंगे आपको एक्सहेल करना है। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है आपके टेम्पल माइनर से रिलेटेड। हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है योगा वाली। चक्रास पर प्रेशर देने से हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। तो सर्वाइकल के लिए आपको प्रेशर देना है अपने टेम्पल माइनर पर। तो कैसे प्रेशर देंगे? आपको लेफ्ट वाले पाम से प्रेशर देना है अपने लेफ्ट वाली साइड में फोरहेड के, और राइट वाले पाम से आपको प्रेशर देना है अपने राइट वाले फोरहेड के साइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इनहेल करना है और प्रेशर लगाना है। प्रेशर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब मेरे हाथ से प्रेशर लगेगा मेरे फोरहेड को पीछे की तरफ करने में, और मेरे फोरहेड से प्रेशर लगेगा कि मेरे हाथ को वो पीछे करे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आपको टेम्पल माइनर जो होता है वो आपका यहाँ पर होता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली चीज़ आपकी टेम्पल माइनर होती है। आपको यहाँ पर हल्का सा गड्ढा जैसा फील होगा, ये आपके टेम्पल माइनर होते हैं, तो यहीं पर प्रेशर देना है। इनहेल,
एक्सहेल जब भी प्रेशर देना है इनहेल करना है रिलीज सो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको करनी है 5 बार इनहेल एक्सहेल का प्रॉपर ध्यान रखना है 5 बार मतलब होता है पूरा सेट लेफ्ट एंड राइट मिला के इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है वो होती है आपको अपने हाथ का ऐसे कफ बनाना है ऐसे जॉइंट करना है हाथ को आप देख सकते हो आपको अपने फोरहेड से प्रेशर देना है आपके बाहर की तरफ और आपके हाथों से आपको प्रेशर देना है अंदर की तरफ लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स जाना चाहिए इनहेल एक्सहेल का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है पहले आपको फ्रंट में करना है इनहेल देन एक्सहेल उसके बाद बैक में इनहेल देन एक्सहेल सो ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है आपको 5 बार अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है अपने शोल्डर की इसमें आपको अपने शोल्डर को अप एंड डाउन करना है तो इसमें भी इनहेल एक्सहेल का प्रॉपर ध्यान रखेंगे अपने हाथों को अपने पैरों पर ऐसे जमा लेंगे एक्सहेल बहुत इजीली करना है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच फील करना है एक्सहेल इनहेल एक्सहेल ये वाली एक्सरसाइज भी आपको 5 बार करनी है इसके बाद करना है आपको शोल्डर रोटेशन इसमें आपको इनहेल करते हुए ऊपर जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे आना है एक साथ करते हैं एक्सहेल इनहेल एक्सहेल 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 अब आपको करना है एंटी क्लॉकवाइज इनहेल देन एक्सहेल जब भी आपको ऊपर लाना है शोल्डर को आपको इनहेल करना है और नीचे की तरफ जाते हुए एक्सहेल करना है इसके बाद आपको करना है एल्बो रोटेशन आपके ये एल्बो होते हैं और इनका रोटेशन करना है पहले आपको अपने जो एल्बो की आपकी जो सबसे पहले आपको अपने जो फिंगर्स हैं फिंगर्स को यहाँ रखना है और एल्बो रोटेशन करना है इनहेल एंड एक्सहेल बहुत ही ईजिली करना है थोड़ा सा स्ट्रेच फील करना है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है इन्हें ज्वाइंट करते हुए ले जाएंगे इनहेल And then exhale. Inhale. Exhale. So ये वाली चीज भी आपको करनी है 5 बार इसके बाद करना है एंटी क्लॉकवाइज जो कि बहुत जरूरी है Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. सो ये भी आपको करना है 5 बार इसके बाद करना है आपको एल्बो का अप एंड डाउन आपके जो एल्बो की पोजीशन है वो एकदम ऐसे ही रहेगी इसी पोजीशन में आपको रहना है और आपको करना है 1 and 2 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 रिलैक्स
जब भी आपको लगे कि आपका जो दर्द है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। बट ये वाली एक्सरसाइज करने से आपका सर्वाइकल, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप रेगुलर करते हो तो आपका सर्वाइकल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। बस आपको इस शर्त ये है कि आपको नियम से करना है, अपने आप से प्रॉमिस करना है कि नहीं हमें एक्सरसाइज करनी है, कैसे भी करनी है, 15 मिनट का टाइम निकाल के अपने लिए, तो आपको 15 मिनट निकालना ही है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपना सर्वाइकल जड़ से दूर करना है। सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी पॉइंट बता देती हूँ। अगर आपको कभी सर्वाइकल आपका बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, आपको चक्कर फील हो रहे हैं, या आपकी जो दर्द है वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, या फिर आपको हेडेक हो रहा है, अगर आप माइनर वाला भी हेडेक अगर आपको हो रहा है तो आप एक ये चीज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करेगी। मैंने आपको बताया था टेम्पल माइनर चक्र के बारे में, जो कि यहाँ पर होते हैं, आपको इनको रोटेट करना है। जब भी आपको दर्द हो आपको 30 सेकेंड के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। आपको अपने दोनों फिंगर्स को ऐसे रखना है और इन्हें आपको रोटेट करना है, थोड़ा सा प्रेशर देके करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है। इससे थोड़ी ही देर में आपका जो दर्द है वो ख़त्म होने लगेगा या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सो जब भी आपको सर दर्द हो आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। सो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, आपको बस इसको ऐसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप एक जन के लिए नहीं है जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो हम सब के लिए है। किसी भी एज ग्रुप में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, सर्वाइकल हर उम्र के लोगों को हो सकता है। सो ये जो वीडियो है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने घर में, पापा मम्मी दादा दादी किसी के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपके जो भी नए वीडियो के सजेशन है आप लोग प्लीज़ कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं आपकी सजेशन पर काम करूंगी और नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।